गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए तंत्र एवं पारिपार्श्विक में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय स्वरूप के अनुसार डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। अब हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि डब्लू बराबर डेल्टा ई। अतः हम कह सकते हैं कि यदि रुद्धोष्म प्रक्रमों के द्वारा कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, परिणाम स्वरूप ताप में कमी आ जाती है। और यदि हम कहें कि रुद्धोष्म प्रक्रम पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और सिस्टम के ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले चर्चा करते हैं ताप आयतन संबंध की। माना कि एन मोल आदर्श गैस का ताप टी तथा दाब पी और आयतन क्या है, वी। अब यदि इस सिस्टम का उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार किया जाता है तो पी क्या होगा, प्रतिरोधी दाब होगा, और इस दाब के विरुद्ध आयतन के डीवी परिवर्तन के लिए गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर माइनस पी डीवी। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि सिस्टम के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और अगर सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दाब के विरुद्ध सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा। अब हम जानते हैं कि प्रक्रम कैसा है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम जानते हैं कि क्यू बराबर जीरो होता है, इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डी ई या डेल्टा ई। अब यहाँ हम शुष्क में परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए डेल्टा की जगह डी काम में आया है। ठीक है, यानी कि डी ई बराबर क्या हो गया, माइनस पी डी वी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक मोल गैस के लिए डी ई बराबर क्या होता है, सी वी डी टी, और एन मोल गैस के लिए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डी ई बराबर माइनस पी डी वी है, डी ई बराबर क्या है, एन सी वी डी टी, तो दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो एन सी वी डी टी बराबर क्या हो गया, माइनस पी डी वी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के एन मोल के लिए हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी बराबर एन आर टी, तो यहाँ से पी का मान निकाला तो क्या आ गया, एन आर टी अपॉन वी। यहाँ से पी का मान जो है ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो एन सी वी डी टी बराबर क्या आ गया, माइनस एन आर टी अपॉन वी गुणा डी वी। यानी कि सी वी डी टी अपॉन टी बराबर क्या आ गया, माइनस आर डी वी अपॉन वी। ठीक है, यानी कि माना कि प्रारंभिक अवस्था में ताप टी वन है और आयतन वी वन है, जबकि अंतिम अवस्था में जो आपके ताप और आयतन है वो क्या है, टी टू और वी टू है। तो इस समीकरण को जो है हम इन सीमाओं में समाकलित करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सी वी जो है स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है इंटीग्रेशन होगा, सीमा लगाएंगे T1 से T2 dT अपॉन T बराबर माइनस R, R यहाँ पे गैस स्थिरांक जो कांस्टेंट है, और सीमा लगाएंगे V1 से V2 dV अपॉन V। ठीक है, तो क्या आ गया, सी वी एल एन टी टू बाई टी वन बराबर माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन। यानी कि सी वी एल एन टी टू बाई टी वन बराबर क्या हो गया, आर एल एन वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल एन टी टू बाई टी वन की पावर क्या होगी, सी वी बराबर एल एन वी वन अपॉन वी टू की पावर आर। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो क्या जाएगा, T2 बाय T1 की पावर CV बराबर V1 अपॉन V2 की पावर R। यानी कि T2 अपॉन T1 बराबर क्या हो गया, V1 अपॉन V2 की पावर R अपॉन CV, और हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, CP माइनस CV। यहाँ पर मान रख दिया, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, V1 अपॉन V2 की पावर CP अपॉन CV माइनस 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सी पी अपॉन सी वी क्या है, स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता बटा स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, और इसे हम गामा से डिनोट करते हैं। यानी कि टी टू बाई टी वन बराबर क्या हो गया, वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन।
यानी कि हम कह सकते हैं टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन बराबर टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, या हम कह दें टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो ये जो समीकरण है वो ताप और आयतन में संबंध दर्शाती है। अब हम देखेंगे दाब आयतन संबंध। तो आदर्श गैस नियम और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके जो आपके समीकरण 73 को दाब आयतन संबंध में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है। तो यानी कि आदर्श गैस के लिए हम क्या जानते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू वी टू अपॉन टी टू, ठीक है। यानी कि टी टू अपॉन टी वन बराबर क्या हो गया पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन। यहाँ पर वी वन पी वन टी वन और वी टू पी टू और टी टू जो है आयतन दाब और ताप की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएँ हैं, ठीक है। यानी कि अब टी टू अपॉन टी वन का मान अपन ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो मान क्या जाएगा पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन बराबर वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन, या हम कह दें कि पी टू अपॉन पी वन बराबर क्या हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन गुणा वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। वज्र गुणा करने से ही मिला अपन को। फिर आया पी टू अपॉन पी वन बराबर क्या हो गया वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा, ठीक है। यानी कि पी वन वी वन की पावर गामा बराबर पी टू वी टू की पावर गामा, या हम कह सकते हैं कि पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं ताप और दाब में संबंध, ठीक है। तो फिर वही गैस समीकरण का उपयोग करेंगे हम, तो पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू वी टू अपॉन टी टू। जैसा कि हम जानते हैं कि वी वन अपॉन वी टू बराबर क्या हो जाएगा अब पी टू टी वन अपॉन पी वन टी टू। तो वी वन अपॉन वी टू का मान हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो मान आ जाएगा आपके टी टू बाय टी वन बराबर पी टू टी वन अपॉन पी वन टी टू की पावर गामा माइनस वन। यानी कि टी टू अपॉन टी वन की पावर गामा बराबर पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। यानी कि टी गामा पी वन माइनस गामा बराबर क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो समीकरण जो अब आई है वो ताप और दाब में संबंध दर्शाती है। तो हम कह सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए ताप और आयतन में क्या संबंध है, टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट। दाब और आयतन में क्या संबंध है, पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। और ताप और दाब में क्या संबंध है कि टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा बराबर कॉन्स्टेंट, ओके। अब है आपके रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक आदर्श गैस द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार में यदि आयतन में परिवर्तन dV हो तो गैस द्वारा किए गए कार्य dW का मान क्या होगा, dW बराबर माइनस pdV, ठीक है। यानी कि यदि गैस का प्रारंभिक और अंतिम आयतन V1 और V2 हो तो संपूर्ण प्रसार में किए गए कार्य W का मान क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस लिमिट लगाएंगे V1 से V2 और इंटीग्रेट कर देंगे PdV, ठीक है। यानी कि चूंकि प्रक्रम कैसा है आपके उत्क्रमणीय है ना, इसलिए P में निरंतर क्या होगा परिवर्तन होगा। इसलिए समीकरण जो है आपके 77 से P बराबर क्या है K अपॉन V की पावर गामा। यानी कि हमने देखा था कि पी वी गामा बराबर क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो पी का मान समीकरण 79 में रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे माइनस वी वन से वी टू के अपॉन वी की पावर गामा डी वी बराबर माइनस के लिमिट वी वन से वी टू डी वी अपॉन वी की पावर गामा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन निकाली तो W का मान क्या निकल के आया, W बराबर एन आर ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा। तो कार्य के इस समीकरण को हम निम्न स्वरूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा बराबर क्या होता है सी पी अपॉन सी वी और R बराबर क्या होता है सी पी माइनस सी वी, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा एन
CP-CV ब्रैकेट में T2-T1 अपॉन 1-CP अपॉन CV। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन करी तो W का मान क्या निकल के आ गया, -CV ब्रैकेट में T2-T1, यानी कि हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या हो गया, -ΔE। यानी कि W बराबर तो -ΔE है रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए। अगर हम उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार करवाते हैं उनका, तो हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए Q बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, इसलिए W बराबर क्या हो गया, ΔE। तो यहाँ से हमने देखा कि W बराबर -ΔE निकल के आ रहा है, तो ΔE बराबर क्या हो गया, NCV ब्रैकेट में T2-T1। जब W जो है ΔE के बराबर है और W जो है वो क्या है, NCV T2-T1। ठीक है, ऐसे ही जो आपके ΔH है उसका मान भी क्या निकल के आ जाएगा, NCP T2-T1। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ रुद्धोष्म प्रक्रमों की बात हो रही है, रुद्धोष्म प्रक्रमों के प्रसार की बात हो रही है, और रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए क्यू बराबर क्या होता है, 0, इसलिए W बराबर ΔE आया। ठीक है, अब यहाँ जब हमने ऊपर कार्य की गणना की तो गणना से हमने क्या देखा कि W बराबर आ रहा है -CV ब्रैकेट में T2-T1, यानी कि W बराबर -ΔE आ रहा है ना। तो यानी कि ΔE का मान हम जानते हैं, इसके बराबर हो जाएगा NCV ब्रैकेट में T2-T1 n मोल गैस के लिए। ऐसे ही ΔH का मान किसके बराबर हो जाएगा, NCP T2-T1 के। ओके।